हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हैं। आप सभी लोगों को विश्वकर्मा पूजा और महालया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली कंप्यूटर लवर्स के लिए है। काफी दिनों से मैं अपने चैनल में प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियो डालता आ रहा हूं, और कुछ ही दिन पहले आपने एक वीडियो देखा है कि कैसे हम इंटीजर्स को एक साथ जोड़ सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, आप में से बहुत लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा। अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं है तो फिर आपको सजेशन बॉक्स पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं जो प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, वे सारे वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहे हैं। इसीलिए ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले बच्चे और वहां के अध्यापक ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि मैं कंटिन्यू प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियो डालता रहूं, क्योंकि वे सारे बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं, बराबर से देखते हैं। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले बच्चे, यानी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले बच्चे, आपको ये सारे वीडियो समर्पित हैं। साथ ही साथ ये वीडियो मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स को भी समर्पित है। जो लोग कोडिंग के ऊपर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जाना कहाँ है, राइट साइड के नीचे वहां पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पे दबाइए और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए दोस्तों। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरे अगले आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट कैसे डिस्प्ले होगा प्रोग्रामिंग में, वे सारे विषय पर आज का ये वीडियो होगा। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं और चलते हैं डायरेक्टली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो व्यूवर्स, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट सब्ट्रैक्शन, यानी हमें एक प्रोग्रामिंग लिखना है सी प्रोग्राम में, जहाँ पर हम दो इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए हमें सी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके स्क्रीन में। ये अभी प्रोसेसिंग हो रहा है और प्रोसेसिंग होकर ये फाइल खुला है। अभी इसे हमें बड़ा स्क्रीन करना है तो ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, ऑल्ट एंटर प्रेस करते ही सी प्रोग्रामिंग विंडो जो है ये हमारे कंप्यूटर पर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, जो हमें हमेशा लिखना पड़ता है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में। उसके बाद लिखेंगे हैश इंक्लूड, अगले लाइन में हैश इंक्लूड conio.h, जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको भी ठीक वैसा ही लिखना है। ठीक है, अभी मैं लिखूँगा void main, मेन इंटीजर को डिफाइन करने के लिए void main लिखना ज़रूरी है। फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज डालकर फिर अगले लाइन में सेकेंड ब्रैकेट की शुरुआत करेंगे और लिखेंगे clrscr, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज और फिर सेमीकोलन। clrscr का मतलब है दोस्तों क्लियर स्क्रीन। तो अभी हमें इंटीजर तो मालूम नहीं, इसीलिए हमने इंटीजर x और y लिया है, और हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, इसीलिए हमने लिखा सब, सेमीकोलन दिया और अगले लाइन की ओर चलेंगे और लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ लिखकर अभी इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। ये लिखने के बाद अभी इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमीकोलन देकर लिखेंगे स्कैन एफ अगले लाइन में। ठीक है, स्कैन एफ, ब्रैकेट डालकर इनवर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटेज डी लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज डी हमेशा इंटीजर को डिफाइन करती है। ठीक है, फिर कोमा देकर एंड एक्स, क्योंकि ये हमारा पहला इंटीजर है। ठीक है, अभी हम दोबारा प्रिंट एफ लिखकर इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, लिख के इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट भी क्लोज करके सेमीकोलन डालकर फिर अगले लाइन की ओर चलेंगे और लिखेंगे स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ लिखने के बाद अभी लिखना है इनवर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटेज डी, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा एंड वाई, क्योंकि हमारा दूसरा इंटीजर है वाई, ब्रैकेट क्लोज कर सेमीकोलन डालेंगे, फिर नीचे जाएंगे लिखेंगे सब, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, किससे, किसको, वाई को एक्स से, इसीलिए एक्स माइनस वाई, फिर सेमीकोलन देंगे। देखिए प्रिंट एफ लिखेंगे, अभी प्रिंट एफ लिख के ब्रैकेट के अंदर
लिखेंगे इनवर्टेड कॉमा के अंदर द रिजल्ट इज, लिखकर जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको ठीक वैसा ही लिखना है, ठीक है। परसेंटेज डी लिखेंगे, डी लिखकर इनवर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉमा देकर सब लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। फिर ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलन देंगे और लिखेंगे अगले लाइन में जी ई टी सी एच, यानी गेट करेक्टर, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलन, और अगले लाइन पर सेकंड ब्रैकेट क्लोज। ये करके जब हम लोग रन पर क्लिक करेंगे, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ रन पर, क्लिक करने के बाद अभी मैं जो भी नंबर डालूंगा, जैसे कि मैं नंबर डाल रहा हूँ 678, पहला नंबर मैंने डाला, और दूसरा नंबर डाल रहा हूँ मैं 632। डालने के बाद क्या आंसर आ रहा है, 46। देखिए पूरा करेक्ट आंसर यहाँ पे दिखा रहा है। फिर मैं एक बार और एक चलता हूँ, और एक बार फिर से चलता हूँ रन पे, और एक नंबर डालता हूँ मैं यहाँ पर 986, और दूसरा नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपको 654। देखिए करेक्ट रिजल्ट 332 यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी प्रोसेस के सहारे हम सी प्रोग्रामिंग में सब्ट्रैक्शन निकाल पाएंगे, ठीक है। अभी हम फाइल पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें इस फाइल को सेव करना है। यहाँ पे जो नो नेम लिखा हुआ है इसे हम इरेज कर देंगे, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ इरेज करके लिखूँगा मैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन लिखकर जब मैं ओके पर दबाऊँगा तब मेरा फाइल सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये फाइल सेव हो गया।